लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गुड मॉर्निंग अनिल जी, देखिए मेरी ओर से जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड। मैंने ये आगे भी एक बार डिस्कस किया था और मैं फिर से एक बार वापस रिकमेंड करना चाहूँगा। अनिल जी, पहले तो कुछ फैक्ट्स बता दूँ। 967 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब सीमेंट में छोटा प्लेयर है, साउथ बेस्ड प्लेयर है। 10.5 के पी पे मिल रहा है और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ROCE 32% है, सेल्स ग्रोथ 22% है और मार्केट कैप टू सेल्स मेरे हिसाब से काफ़ी लो है, 2 times, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी लेस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है अनिल जी कि स्टॉक करेक्ट हुआ है और इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ये जो करेक्शन है ये मेरे हिसाब से इस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे एंट्री मोर और लेस करी जा सकती है। तो 520 का हाई बनाने के बाद रिसेंटली स्टॉक ने 380 का हाई बनाया था। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद 350 तक का डिक्लाइन हो भी सकता है स्टॉक में, लेकिन दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अनिल जी। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए 320 के स्टॉप लॉस से 460, 560 और 600, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर इसको 6 से 8 महीने दिए जाए तो ये स्टॉक शायद डबल भी हो सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे, वैल्यूएशन चीपर है और जहाँ तक मुझे याद है जो जैन साहब है उनका जैम स्टॉक भी रह चुका है। सो देर इज अ लॉट ऑफ कम्फर्ट इन दिस स्टॉक, टेक्निकली भी अच्छा है। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट खरीदना चाहिए 600 के इवेंचुअल टारगेट के लिए।